नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत कौर आर्य और मेरे पति जोगिंदर सिंह आर्य। तो मैं आज आपको ये बताने जा रही हूं कि किस तरह वाधवा बिल्डर के हाथों हम धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। वाधवा बिल्डर ने हमारे 60 लाख रुपए दबा ही लिए हैं, उन्होंने रख ही लिए, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। जब हमारी सोसाइटी उन्नत नगर अक्षय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वाधवा बिल्डर के अंडर रीडेवलपमेंट के लिए गई, तब उन्होंने हमें एक एडिशनल 2 BHK फ्लैट का ऑफर दिया था, जिसके लिए उन्होंने हमसे 41 लाख रुपीज लिए हैं। आज 9 साल हो गए हैं, उसका कुछ अता पता नहीं, फ्लैट तो मिला ही नहीं है, लेकिन उसके बारे में एक्नॉलेज भी नहीं करते, बात ही करने को तैयार नहीं है। 11 लाख हमारा कॉर्पस पेंडिंग है, वो भी नहीं दिया। अल्टरनेट अकोमोडेशन का रेंट 17 मंथ्स का रेंट 45,000 के हिसाब से 7,65,000 है, वो भी नहीं दिया। तो इसे कुल मिलाकर 60 लाख रुपए लेकर बैठ ही गए हैं, उसके बारे में बात करना नहीं चाहते, उनकी मंशा ही नहीं उस बारे में बात करने की। तो ये कितना बड़ा अमाउंट है, 60 लाख इतना बड़ा अमाउंट, हमारा कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। अगर ऐसे भी ये अमाउंट हमारे बैंक में पड़ा रहता तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कितना बढ़ गया होता। तो आप सोचिए कि वाधवा बिल्डर ने कितनी चालाकी से हमें चीट किया है, हमें इतना परेशान किया है कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन वाधवा बिल्डर के कानों पर जो भी नहीं रेंग रही। आप समझ सकते हो कि इस वजह से हमें कितनी परेशानी, मेरा पूरा परिवार सफर हो रहा है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये सब कैसे और कब हुआ। दोस्तों, हम गोरेगांव वेस्ट उन्नत नगर अक्षय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे, जो 2014 में वाधवा बिल्डर के अंडर रीडेवलपमेंट के लिए गई, और इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नाम अनमोल फॉर्च्यून रखा गया। उस वक्त 2014 में वाधवा बिल्डर ने हमें एक ऑफर दी थी एडिशनल 2 BHK की, उसके लिए हमें 41 लाख भरना था। उन्होंने कहा कि अगर एडिशनल 2 BHK फ्लैट अगर कोई बुक करना चाहता है तो अपने फैमिली के किसी दूसरे मेंबर के नाम से हम बुक कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 41 लाख रुपीज भरना था। और ये ऑफर हमें वाधवा बिल्डर ने हमारी सोसाइटी के थ्रू दी थी, इसलिए हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी और एक दूसरे मेंबर जो खुद भी बिल्डर है, दोनों हमारे घर आए, उन्होंने हमें इस ऑफर के बारे में बताया, उन्होंने कन्विंस किया कि आपको 2 BHK फ्लैट के लिए, 2 BHK फ्लैट विद कार पार्किंग के लिए सिर्फ 41 लाख भरने हैं, और कन्विंस किया कि आप हम पर भरोसा रखिए। लेकिन ये मैटर कॉन्फिडेंशियल है, वर्बल टर्म्स पे होना था, तो हमें उस वक्त थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन फिर भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने बार बार हमें आश्वासन दिया कि आप हम पर भरोसा रखिए। और हमारी एक एडिशनल फ्लैट की रिक्वायरमेंट भी थी, इसलिए हमने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली। और उस समय वाधवा बिल्डर का नाम भी बहुत था, हमने कभी नहीं सुना था उनके बारे में ऐसा कुछ गलत कि ऐसा भी वो कुछ करते हैं। हमें यही पता था कि वो अपनी कमिटमेंट हमेशा पूरी करते हैं, और हमें यकीन था कि वो अपना किया हुआ वादा पूरा करेंगे। ये भी एक वजह थी ऑफर एक्सेप्ट करने की। और हमारी ही तरह हमारी सोसाइटी के एक और मेंबर भी हैं जिन्होंने एडिशनल 2 BHK के लिए 41 लाख भरे हुए हैं। तो इस तरह हमने 41 लाख का चेक अपने सेक्रेटरी सर को हैंड ओवर किया। पहले हमें 41 लाख का चेक वाघवा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इश्यू करने को कहा गया,
बाद में उन्होंने कुछ दिनों बाद वो चेक हमें वापस दे दिया और फिर उन्होंने कहा कि हमें दूसरा चेक विजय एसोसिएट वाधवा के नाम से इश्यू करके करो। तो हमने फिर सेकंड चेक विजय एसोसिएट वाधवा के नाम से इश्यू किया, जो मिस्टर विजय पारेख, जो अनमोल फॉर्च्यून प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और वाधवा रियल्टी के को डायरेक्टर हैं, उनके थ्रू ये चेक वाधवा बिल्डर तक पहुंचा। और ये हमारा 41 लाख का चेक 31 जुलाई 2014 में क्लियर हुआ है। चेक क्लियर होने के बाद वाधवा के ऑफिस से हमें कॉल भी आया है कि आपको एडिशनल फ्लैट किसके नाम से बुक कराना है। तो बाद में ये जैसे कि ऑफर हमें सोसाइटी के थ्रू मिली थी, तो जब भी सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग वाधवा बिल्डर के साथ होती थी, हर बार ये मुद्दा उठाया जाता था, हर बार हमारे एडिशनल 2 BHK का मुद्दा उठाया जाता था और हर बार वाधवा बिल्डर की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि जिन 2 मेंबर्स के पैसे हमारे पास आए हैं उनकी कमिटमेंट हम पूरी करेंगे। और हमें भी यकीन था कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे। हमें विजय पारेख, जो वाधवा रियल्टी के को डायरेक्टर हैं, उन्होंने यह भी बताया कि जिन 2 मेंबर्स के पैसे आए हैं उनके लिए 2 BHK के 2 फ्लैट्स अनमोल फॉर्च्यून ई विंग, अनमोल फॉर्च्यून के ई विंग में लोएस्ट फ्लोर पे रिजर्व रखे हैं और वाकई में 2 BHK के 2 फ्लैट्स ई विंग में रिजर्व रखे हुए थे। लेकिन जब तक वाधवा बिल्डर को ओसी नहीं मिली थी तब तक 2 BHK के 2 फ्लैट्स रिजर्व पड़े हुए थे। लेकिन जब वाधवा बिल्डर को ओसी मिली, उन्होंने वो फ्लैट किसी दूसरी पार्टी को बेच दिए। तो ये हमारे लिए इतना शॉकिंग था, हमें इतना झटका लगा कि किस तरह वाधवा बिल्डर ने हमारा विश्वासघात किया है। लॉकडाउन में वाधवा बिल्डर और सोसाइटी की आपस में आमने सामने मीटिंग्स नहीं हो पाती थी, इसलिए जो सोसाइटी के पेंडिंग एजेंडा, जो इश्यूज जो सॉल्व करने बाकी थे, उसके लिए उन्होंने 8 मार्च 2021 को वाधवा बिल्डर को एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने 12 पॉइंट्स रखे हैं और जो 12 पॉइंट है वो हमारे एडिशनल 2 BHK के रजिस्ट्रेशन के बारे में रखा है। यहां ऑलरेडी पर्पस साबित हो जाता है, तो यहां से पता चलता है कि हमारी ये मैटर बिल्कुल जेन्युइन है और लेजिटिमेट है। इसका ईमेल का जवाब वाधवा बिल्डर की तरफ से 15 मार्च 2021 को आता है, जिसमें उन्होंने ये जवाब दिया है, हमारे 12 पॉइंट के मुद्दे का ये जवाब दिया है कि हमारे एडिशनल 2 BHK के फ्लैट के रजिस्ट्रेशन का सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है, तो इंडिविजुअल पार्टीज डायरेक्ट हमें वाधवा बिल्डर के हेड ऑफिस जो कि BKC में है वहां आकर मिले और ये इश्यू सॉल्व करें। अब ऐसा जवाब मिलने के बाद सोसाइटी ने भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। फिर हमने 4-5 मीटिंग वाधवा बिल्डर के हेड ऑफिस में की BKC में, और हर मीटिंग भी, मीटिंग के लिए हर बार टाइम लेने के लिए भी हमें कई बार उनको कॉल करके रिक्वेस्ट करना पड़ता था, तब जाकर एक मीटिंग के लिए टाइम मिलता था। और इस तरह हमने 4-5 मीटिंग्स की हैं, लेकिन वाधवा बिल्डर के जो अपर मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज हैं हर बार एक नया बहाना बना के हमें परेशान करते रहे और पिलर टू पोस्ट भराते रहे। कभी उनका कहना था आपके फंड्स तो आए हैं लेकिन किस पर्पज से आए हमें पता नहीं। तो जो मैंने ईमेल के बारे में ऊपर मेंशन किया है उसमें ऑलरेडी पर्पस मेंशन किया गया है, और कैसा और क्या पता करना उनको। और इसके बाद में उनका कहना कि हमारा स्टाफ चेंज हो गया है, पुराना स्टाफ बदल गया, अभी नए हैं हम तो हमें पता नहीं है। तो ये बात भी मानने वाली है, अगर पुराना स्टाफ चला ही जाता है तो रिकॉर्ड तो वही रहते हैं, वो तो नहीं साथ में चले जाते, तो ये कैसा बेतुका सवाल है। हमें यह भी कहा गया
कि हम आपके रिकॉर्ड्स गोडाउन में ढूंढ रहे हैं, हमें 2 हफ्ते का समय दे दो। उनका कहना था कि हम रिकॉर्ड्स ढूंढ रहे हैं, आपको खुद आकर आपके उन्नत नगर ऑफिस में मिलेंगे। लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। ये वाधवा बिल्डर की सोची समझी साजिश थी। जैसे उन्होंने अपने अपर मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज को आदेश दिए, वैसे उन्होंने हमें घुमाने का काम किया और हमें परेशान किया, हमारा समय बर्बाद किया। इसके बाद यहां से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसके बाद हम मिस्टर वी जी पारिक, जो वाधवा रियल्टी के को डायरेक्टर हैं, उनसे भी 3-4 मीटिंग की, क्योंकि ये डील फाइनल उन्हीं के थ्रू हुई थी। उनसे 3-4 मीटिंग की तो उन्होंने भी हमें बार बार यही कहा कि आपके एडिशनल 2 BHK के सारे डिटेल्स मैंने वाधवा बिल्डर को भी भेज दिए हैं और आपकी उन्नत नगर अक्षय कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी भेज दिए हैं, और आप हमें बार बार परेशान मत करिए। तो इन्होंने भी जवाब दिया वाधवा बिल्डर के, वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, इन्होंने भी जवाब दे दिया, सोसाइटी भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रही। तो फिर हम परेशान हो गए। आप सोचिए कि हम कितना परेशान, किस सिचुएशन से गुजरे होंगे, ये कैसी सिचुएशन हमारे लिए रही होगी। फिर हमने परेशान होकर जगह जगह ठोकरे खाने के बाद वाधवा बिल्डर को एक लीगल नोटिस भी भेजा, जिसका इन्होंने हमें होल्डिंग रिप्लाई दिया, हमसे समय मांगा गया, लेकिन आज तक उसका भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। हमारी बैंक स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट क्लियरली ये मेंशन कर रहे हैं कि 41 लैक्स का ट्रांजैक्शन विजय एसोसिएट्स वाधवा के नाम से 31 जुलाई 2014 में हुआ है। और सोचने की बात यह है कि ये लोग हर साल अपने अकाउंट्स फाइल करते हैं, तो हमारे 41 लैक्स का अकाउंट कैसे फाइल नहीं हुआ? इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बिना फाइलिंग के चलते हैं। इतने सालों से वो अमाउंट ये लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जानना जरूरी नहीं कि किस पर्पज से आया है, और ये इन्होंने इतना बड़ा अमाउंट किस ग्राउंड पे एक्सेप्ट कर लिया, सबसे बड़ी बात वो है, कैसे एक्सेप्ट किया। तो ये भी इनके जो बहाने, बेबुनियाद बातें हैं, इन्होंने बना बनाकर हमें परेशान कर दिया। तो दोस्तों, आप जान चुके हो कि वाधवा बिल्डर ने हमें परेशान करने की हदें ही पार कर दी हैं। उन्होंने हमें इतना परेशान किया, हर स्टेप पर उन्होंने परेशान किया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम कितनी स्ट्रेसफुल और पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हम दोनों वरिष्ठ नागरिक हैं, मैं 70 इयर्स की हूं, मेरे पति 77 इयर्स के हैं। हमारे प्रति संवेदनशील होने की बजाय वाधवा बिल्डर ने इसी बात का फायदा उठाया है। हम आज तक सोसाइटी के किसी काम में या वाधवा बिल्डर के किसी काम में कभी आड़े नहीं आए, हमारी वजह से उन्हें कभी कोई असुविधा नहीं हुई। फिर भी हमें आज ये सिला मिला है कि हम इस तरह परेशान हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि इनके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो खड़े हैं, वो क्या हम जैसे वरिष्ठ नागरिकों का हक मारकर उनकी नींव रखी जाती है, या इनकी कमियों की भरपाई आम लोगों के पैसों से की जाती है? इस तरह परेशान करना क्या इनके लिए जायज है? क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ है? ये बेइंसाफी हमारे साथ क्यों हुई है? इनको लगता है कि ये बड़ी बड़ी कंपनी है तो इनका कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम तो वरिष्ठ नागरिक हैं, तो इनको यही लगता है कि ये क्या कर लेंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, कितना भागेंगे हमारे पीछे। लेकिन उनका ये सोचना बिल्कुल गलत है। हम पीछे नहीं हटेंगे, अपने हक के लिए जरूर लड़ेंगे। हम उनसे अपना हक मांग रहे, कोई खैरात नहीं मांग रहे। तो दोस्तों, आप जान चुके हो कि हम किस तरह परेशान हो चुके हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सचेत करना चाहती हूं, वाधवा बिल्डर के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो खड़े हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, उनमें फ्लैट्स की बुकिंग हो रही है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सचेत करना चाहती हूं
कि आप सावधान रहें, सूझबूझ से काम रहें और अपने कदम सोच समझ कर उठाएं। हमें आज इस मोड़ पर वाघवा बिल्डर ने खुद पहुंचाया है, उन्होंने खुद हमें आवाज उठाने पर मजबूर किया है। जिस तरह हम परेशान हुए हैं, आप उस चक्कर में ना फंसे। मैं चाहती हूं वाघवा बिल्डर जिस तरह अपनी कमिटमेंट हमेशा पूरी करते आए हैं, आज भी उनकी रेपुटेशन उसी तरह बरकरार रहे। और अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो इस बात पर गौर करें और उचित निर्णय लें और अपना किया हुआ वादा पूरा करें। तो दोस्तों, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता, हम इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। वाघवा बिल्डर की तरफ से इस प्रोजेक्ट में जो इनकंसिस्टेंसी और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिखाई दी है, जिस वजह से हम आज तक परेशान हो रहे हैं, अगर जनरली भी हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस जुड़ी हैं, जो हम बारी बारी हाईलाइट करेंगे। तो दोस्तों, हमारी आपसे विनम्र विनंती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमें इंसाफ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।